नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, वो भी PDF फॉर्म में। साथ में साथ आप जेल भरी की तैयारी कर ही रहे हैं तो आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन आपको डिटेल मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा HRD जो कहलाता है कि घोषणा की थी कि भारत में दो जो हैं सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एक तो JEE और एक NEET। JEE का फुल फॉर्म होता है संयुक्त प्रवेश परीक्षा और ये राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा NEET। ये कौन कराएगा? तो ये कराएगा NTA, NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 2017 में इसकी स्थापना कराई गई थी। किसके लिए? कि इन्हीं एजेंसियों के लिए। पहले इनका एग्ज़ाम CBSE बोर्ड करा लेता था, लेकिन अब इसका एग्ज़ाम जो है NTA कराएगा। अभी बात चल भी रही थी कि जितने भी हर स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे NTA के हाथों में दिए जाए, ऐसा प्रस्ताव चल रहा था, लेकिन अभी मंजूर नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे NTA कराए। NTA मतलब एक एग्ज़ाम, आपके पास एक स्कोर कार्ड हो जाएगा, कोई वैकेंसी निकलेगी तो आप उस स्कोर कार्ड के आधार पर आपको रख लिया जाएगा, जैसा CPCT में होता है, स्कोर कार्ड जारी होता है ऐसे ही इसी प्रकार का। लेकिन अभी उसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा तो स्टूडेंट के हित में ही निर्णय है, और कुछ हर चीज़ के प्रॉफिट और लॉस रहते हैं, तो ऐसे ही इसका है, ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला जो है प्रश्न हमारा वो है, तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट का कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन हुआ किस राज्य में है स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कितने मेगावाट का? 2000 मेगावाट का ये स्थापित किया गया है, ठीक है, किस जिले में? तुमकुर जिले में किया गया था 2017 में, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा कि मध्य प्रदेश के जो है तीसरे मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता होगा तीसरे मुख्यमंत्री कौन है, कैलाशनाथ काटजू जो है तीसरे मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री कौन है हमारे यहाँ के? फर्स्ट नंबर के मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरे नंबर पे कौन है? भगवत राव मंडलोई। और थर्ड नंबर के जो क्वेश्चन है पूछे थे वो कौन है? कैलाशनाथ काटजू। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, देखिए एग्जाम में थर्ड नंबर तक के मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिए गए, तो ये आपको जरूरी हो जाता कि सेकंड वाला भी आप याद रखें, क्योंकि ये भी आपके इस बार शायद है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री काफ़ी बदले गए इस बार। वर्तमान में अभी पता ही होगा कि शिवराज सिंह चौहान, इसके पहले कमलनाथ थे, है ना, उसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान, तो काफ़ी उठापटक हुई है, तो आपसे पूछ सकते हैं वर्तमान, या फिर ज़्यादातर चांस दूसरे नंबर वाले के बन सकते हैं। तो दूसरे कौन है? भगवत राव मंडलोई, पहले थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और थर्ड नंबर पे थे अपने कैलाशनाथ काटजू। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा नेत्र से आया है, कला और संस्कृति से प्रश्न पूछा गया था ये, स्टेटिक जीके से। घूमर जो है किस सामाजिक का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है ये? सभी को पता है कि जो राजस्थान का ये जो घूमर है, घूमर जो नृत्य है, डांस है, कहाँ का है? राजस्थान का है। गुजरात का है, क्या है? गुजरात का गरबा है। तो ऐसे कई नृत्य हैं, पंजाब का है भांगड़ा हो गया, तो ये पंजाब का हो गया, असम में भी है, चलता है ना, तो ये सब नृत्य काफ़ी सारे नृत्य हैं अलग अलग राज्य के, राजस्थान का पूछा था। अगला प्रश्न जो है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया था? तो किस संस्थान ने चलाया था? तो ये चलाया था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, वायदा बाजार आयोग ने, वायदा बाजार आयोग ने चलाया था। तो ये जो है जागो ग्राहक जागो अभियान की शुरुआत कब हुई थी, आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 मार्च 2005 को, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है जागो ग्राहक जागो अभियान की शुरुआत 15 मार्च 2005 को हुई थी। आपने TV पर एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी जागो ग्राहक जागो, तो ये वहीं से लिया गया है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और 15 मार्च को हम क्या मनाते हैं? एक हम दिवस मनाते हैं, आप लोग बता सकते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, 15 मार्च को मनाते हैं। तो जो 2020 में मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी 2020 में मनाया गया था, 2020 में जो मनाया गया था उसकी थीम क्या थी?
तो सतत ग्राहक क्या थी उसकी थीम, सतत ग्राहक ये इसकी थीम थी। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है, 2020 की जो है ये है थीम इसकी, दिख रही होगी आप लोगों को, सतत ग्राहक। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया था, इसकी थीम थी सतत ग्राहक। अब बात करते हैं, ये तो विश्व उपभोक्ता दिवस हो गया, इसके बाद हम लोग अपने लेवल पर मनाते हैं, इंडिया लेवल पर, कौन सा, इसको अलग कलर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये इस वाले से लिख दे रहे हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल कब मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, ये 24 दिसंबर को, ये 15 मार्च को, तो दोनों आपको ये याद रखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, इतना पूछ सकते हैं। और साथ में क्या बताया था आपके लिए एक बार, कि इसकी अभियान शुरुआत कब हुई थी, 2005 में 15 मार्च को, इसी कारण इंटरनेशनल ओपन मनाते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को वर्ष में आयोजित किया गया था, तो कब आयोजित किया गया था, तो अपना किया गया था 1951 और 52 में जो है आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में सरोंज शहर भूकंप क्षेत्र वर्गीकरण में के अंतर्गत आता है, तो ये देखिए क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब होता है एक क्षेत्र जो है, मान लीजिए फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये जो जोन बटे रहते हैं, तो फर्स्ट जोन जो है अपने अगले वाले जोन से थोड़ा कम डिफिकल्ट रहता है, मतलब यहाँ चांस जो है भूकंप के ज़्यादा रहते हैं, क्षेत्र संवेदनशील रहता है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये ऐसे बढ़ते जाते हैं, जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा वो संवेदनशील क्षेत्र रहता है। तो इसमें सरोंज शहर को जो है जोन टू में दिया गया है, मतलब ये कम संवेदनशील है, जोन टू मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो इसको जोन टू में रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा अगला, जैन साधु तरुण सागर जी महाराज का जो जन्म है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म जो है दमोह जिले में हुआ था। आप सभी को मालूम है राष्ट्रीय संत जो हैं ये जैन मुनि तरुण सागर जी हैं, इनका जो जन्म है दमोह जिले में हुआ था। एक खास बात और है, ये मध्य प्रदेश के क्या कहे जाते हैं, इनको क्या एक दर्जा प्राप्त था, राजकीय अतिथि, राजकीय अतिथि भी इनको, इनको मध्य प्रदेश सरकार ने इनको ये उपाधि दी थी, राजकीय अतिथि की, जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज के लिए, तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, जो भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, तो यह है भोपाल के हबीबगंज में स्थित है, जो पहला जो है प्राइवेट निजी जो है रेलवे स्टेशन बनाया है, किसको दिया गया ये भी आपसे पूछ सकते, तो ये जो है बंसल ग्रुप के लिए मिला है, इसके टेंडर निकलते हैं उसमें, ये किसको मिला है, बंसल ग्रुप के लिए मिला हुआ है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, पहला स्टेशन कौन सा बन गया है, हबीबगंज भोपाल में है, और किसको मिला है, बंसल ग्रुप को। अगला प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश की जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहाँ स्थापित की जाएगी, तो जापानी जो टाउनशिप है पीथमपुर में स्थापित की जाएगी, इसका फर्स्ट उत्तर क्षेत्र है, तो आप सभी को मालूम होगा कि जो पीथमपुर है भारत का क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, तो इस कारण यहाँ पर अधिकांशता उद्योग जो है पीथमपुर एक हब है पूरी उद्योगों का, यहाँ पर अधिकांशता उद्योगिक क्षेत्र काफ़ी डेवलप है, इस कारण आप यहाँ सभी याद रख सकते हैं जापान औद्योगिक टाउनशिप कहाँ है, पीथमपुर में है। अगला प्रश्न जो है, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई हैं, तो कितनी की गई हैं, तो अब तक 6 जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं प्रस्तावित कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरा देही अभ्यारण्य स्थित है, तो मध्य प्रदेश के जो है सागर जिले में नौरा देही अभ्यारण्य स्थित है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य कौन सा है, तो हम कहेंगे नौरा देही, उसके बात करें तो कहाँ स्थित है, सागर में, इसके साथ साथ ही कहाँ स्थित है, दमोह जिले में भी ये टच करता है, साथ के साथ ये नरसिंहपुर जिले को भी टच कर देता है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 1194 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, मोटा मोटा अपन यदि लगभग लगभग देखें तो 1194 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है। कहाँ स्थित है, सागर में है, दमोह में है और नरसिंहपुर में है। आपको तीनों ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं मिलेंगे, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है।
अगला जो है कि जनवरी 2018 में फ्रेंड ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड ऑफ जो एमपी समिट है कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये इंदौर में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न जो है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम में सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम बताना है। तो इनके रानी अहिल्याबाई होलकर नाम से जो कपड़ा जाना था कौन सा है, महेश्वरी साड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महेश्वरी साड़ी। अगला प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश 2018 के वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में सेकंड स्थान पर जो रहा था उस शहर का नाम बताना है। तो उस शहर का नाम है भोपाल। कल भी जो हमने चैप्टर सॉल्व की थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया। फर्स्ट नंबर पर रहा है इंदौर, सेकंड पर रहा है भोपाल। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं। तो किसके उस्ताद हैं ये, तो ये बजाते हैं संतूर। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, संतूर बजाते हैं, इसके ये उस्ताद हैं। अगला जो है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो ये हमारा दूधराज सुल्ताना बुलबुल एशियाई फ्लाइट कैचर। तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक आपने मध्य प्रदेश को जो नया मंत्रिमंडल बना है उसकी हमने ट्रिक्स से आपको याद करवाने का प्रयास किया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके पहले वो आप वीडियो देखें, आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी कछुए की जो है एकमात्र प्रजाति है वो पाई गई है। तो कौन सी पाई गई थी, तो फर्स्ट सही है इसका जीव कैलोन एलिंगिस जो है इसकी प्रजाति मध्य प्रदेश में पाई गई थी। एकमात्र प्रजाति जो कछुए की मध्य प्रदेश में पाई गई है। अभी हाल में ये आपने सुना होगा, पेपर में आया था भोपाल में कछुए की जो है तस्करी वगैरह चलने थी, क्योंकि कछुए का क्या है ऑनलाइन जो व्यापार है काफ़ी बेचने का चलता है। 5-10 रुपये से लेकर 5 लाख-10 लाख रुपये तक कछुआ इनका बिक जाता है। इस कारण ये इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और इनको पालना गैर दंडनीय अपराध है। तो ये जो है इसकी प्रजाति काफ़ी महंगी प्रजाति है। अगला जो है हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के लिए प्रतिशत का अनुमान लगाया है। तो किस जो है संस्थान ने लगाया, तो ये सेकंड आंसर इसका सही है, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPHET। तो इसका उत्तर ये सही है, जो कृषि अपशिष्ट बचता है उसका ही अनुमान लगा था कि कितना अपशिष्ट बचा हुआ है, कितना निकला हुआ है, कितना उसका प्रयोग किया गया है, रीयूज किया गया है। तो ये पूरा संस्थान इसका अनुमान लगाता है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। तो देखना है फास्फोरस क्या होता है कम, पोटास क्या होता है अधिक होता है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी जिसमें पोटास अधिक जिसमें किसमें होता है, तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी होती है जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं हिंदी वाले सेक्शन में कि हिंदी में क्या क्या आया था, कैसे प्रश्न आए थे और उनको हम जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे बढ़ेंगे अब हिंदी वाले सेक्शन पर। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा हिंदी का, पहला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द से पूछा गया था। पर्यायवाची से पूछा गया था किसका पर्यायवाची, दूध का। तो दूध का पर्यायवाची क्या होगा इन चारों में से, यह होगा थर्ड ऑप्शन सही, दुग्ध क्षीर और गोरस। दुग्ध क्षीर और गोरस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। पहले भी वीडियो में बताया था कि जल्दबाजी में आप कहीं ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे, कहीं ये वाला करके आ जाएंगे, और क्योंकि एक ही मात्रा बिंदी की डिफरेंस होता है, कहीं मात्रा है तो कहीं बिंदी है, इस कारण से आपका गलत हो सकते के चांस बन सकते हैं। इसलिए जब ऑप्शन लगाएं तो ध्यान से लगाएं। वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों को शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, में कौन सा रस है। इसमें दिख रहा होगा मेरे तो गिरधर गोपाल, कोई नहीं इन जैसा, तो इसमें भक्ति कर रहे हैं, भक्ति रस। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो मुहावरे से पूछा गया था। किसका मुहावरा, अंधेर मचना का मुहावरा। बताना था अंधेर मचने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कहते ना अंधेर मच गई पूरी, तो व्यवस्था बिगड़ गई, तो कुव्यवस्था होना सही उत्तर हो जाएगा, कुव्यवस्था होना। अगला प्रश्न जो है कि आप प्रत्यय से बना शब्द उनमें से कौन सा है। तो आप से क्या बना हुआ है जिसमें प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे तरफ लगते हैं, और उपसर्ग आगे तरफ लगते हैं। ये कोई शब्द है तो पीछे क्या लगेंगे, प्रत्यय, और आगे क्या लग जाएंगे, उपसर्ग। तो मिलाप आप किस में आ रहा है, मिलाप, मिलाप, ये देखना ना मिलाप, आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको दिखाया गया मिल आप, मिलाप, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ मिलाप में।
अब बताना है आपके लिए शुद्ध रूप, मुनिंगण जो है इसका शुद्ध रूप आपको बताना है मुनिंगण का। तो इसमें से क्या होगा मुनिंगण, ये तो गलत है दोनों, ये वाला भी गलत है। सही क्या है मुनिंगण, ड़ा आएगा इसमें, ड़ा मुनि मुनि सब में लिखा था, गागा लिखा था, ड़ा का केवल डिफरेंस था, और ड़ा वाला जो है सही है मुनिंगण। अगला प्रश्न जो है देश से निर्वासित का क्या बताना है हमें, सामासिक विग्रह बताना है। तो देश निर्वासित मतलब देश से निर्वासित, देश से निर्वासित, ठीक है। ये तो गलत ही लिख दिया यहाँ पर, ये देश के लिए शासन थोड़ी होगा, देश में शासित, देश से निर्वासित हुआ मतलब देश से अलग कर दिया गया है। अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दिख नहीं रहा आप दिख रहा होगा कि देवता के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो ये कौन सी पंक्ति है चारों में से, ये सही ऑप्शन है सेकेंड, सुर अजर और देव। याद रखना है कई बार एग्जाम में पूछा गया है देवता का पर्यायवाची, काफ़ी फेमस है ये, पूछा गया है सुर अजर और देव। तो आपको स्पेलिंग पे जो है इसकी ध्यान देना है, कहीं दूसरा ऑप्शन ना लग जाए, क्योंकि अजर अजर ये अजर सब मिलते हैं, एक से दो से हैं, तीन ऑप्शन एक से लग रहे थे। सही उत्तर इसका है सेकेंड। अगला है हमारा राह खर्च का सामासिक विग्रह होगा। तो क्या होगा राह खर्च, मतलब राह में चल रहे तो उसके लिए खर्च चाहिए, तो राह के लिए खर्च। अब ये देखिए यहाँ सर्च लिख दिया है इन्होंने, तो ऐसे ही आप लोग गलती कर देंगे वहाँ, है ना, कि जल्दी जल्दी में भाई राह के लिए खर्च है, तो राह के लिए खर्च ये लिखा है, जल्दी से टिक करके आ गए। फिर जब कहाँ आएंगे तो फिर कहेंगे यार मार्क्स कहाँ कट गए, ये हो गया, ये भर्ती घोटाला हो गया, ये हो गया। नहीं, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़ें, यहाँ सर्च लिखा हुआ है ना कि खर्च। सही उत्तर होगा इसका राह के लिए खर्च। तो ऐसा आपके लिए एग्जामिनेशन कन्फ्यूज करते हैं, देखिए एक ही शब्द में कितना फर्क है। अगला प्रश्न जो है शुद्ध रूप से पूछा किसका, श्राप का पूछा गया है शुद्ध रूप। तो श्राप, ये श्राप कहते हैं ना, श्राप दे दिए, श्राप नहीं है श्राप, शुद्ध जो रूप होता है ये तो उसका अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप होता है साप, साप ये इसका तत्सम है, ये तद्भव दे दिया है, साप जो है शुद्ध शब्द है। अगला शब्द बताना है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, एक शब्द में उत्तर बताना है। तो इसका भी बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, क्या कौन सा सही होगा, सुपाठ्य, सुपाठ्य जो है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। ये भी देखिए सेम ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें टा है और इस वाले में क्या है ठा, ये क्या होगा सुपाठ्य, ये क्या है सुपाठ्य, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। तो दोनों में डिफरेंस देखना है आपको, इसमें और इस वाले में। तो इसका सही उत्तर क्या है, सुपाठ्य, फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्या है, सबको एक साथ देखने वाले के लिए शब्द क्या लगाएंगे अपन, जो सबको एक साथ देखता हो। तो सीधे सीधे कह रहा है समदर्शी, जो सबको एक साथ देखता हो। प्रश्न है हमारा अगला वाला प्रीति उपसर्ग से बताना है, उपसर्ग बताना है, ध्यान से देखना उपसर्ग बताना है, इसमें प्रीति उपसर्ग किसमें लगा है। तो देखिए प्रतिपक्ष, ये देखिए प्रतिपक्ष उसका सही उत्तर है, ये वाला का मत लगा देना, ये गलत है, प्रतिपक्ष होता है सही, प्रतिपक्ष है ना, ये देखिए ये तो उस पर देखिए ये यही दिख रहा है पूरा, यही लिखा है, ये तो तीनों तो वैसे ही गलत दिख रहा है उसमें, है ना। अगला प्रश्न है संधि से संलग्न के लिए संधि बतानी है कौन सी होगी। तो कौन सी सही संधि होगी इसमें, तो सही संधि होगी इसकी फोर्थ ऑप्शन, सम धन लग्न, सम में क्या आएगा हलंत, तो कौन सी संधि हो जाएगी व्यंजन धन लग्न, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आधा गा बना हुआ है, ठीक है, इसमें इन्होंने ये कर दिया है, तो यहाँ हलंत आएगा, तो ये व्यंजन संधि, ध्यान से लगाना इसको। अगला बताना है हमें ऐच्छिक का क्या बताना है, विलोम बताना है। तो ऐच्छिक मतलब जिसकी इच्छा से हो, तो अनैच्छिक हो जाएगा, अनैच्छिक कहाँ लिखा, ये लिखा है शुद्ध रूप देगा ना इनमें से, क्योंकि रहेंगे चारों सेम, सही उत्तर हो जाएगा अनैच्छिक, मतलब आपकी इच्छा से नहीं है, यार भाई इच्छा नहीं हो रही, अनैच्छिक। अगला प्रश्न है ऐब का जो है विलोम बताना है, ऐब मतलब क्या है बुराई, किसी में ऐब निकाल देना, ऐब निकाल देना है, तो इसका जो हो जाएगा विलोम क्या है कि उसमें भाई बहुत खूबियां हैं, खूबी। अगला प्रश्न फिर से संधि से पूछा गया है, तो देखिए ये काय का पूछा गया है, संसार का, तो संसार में क्या हो जाएगा समय धन सार, ये देखिए दोनों ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सब में इसका सही उत्तर होगा समय धन सार, इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है अभी उपसर्ग जो है किस शब्द से बना है, तो अभी देखिए चारों में आपको केवल यही दिख रहा होगा, सेम टू सेम बिल्कुल अभी मुख आंसर लगा देना है, तीनों तो वैसे ही गलत दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अलंका से पूछा गया है,
तो वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें, डिटेल में से आपको बता रहे हैं। प्रश्न है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो आपने यदि हिंदी अच्छे से पढ़ी होगी 9th-10th में, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की है कामायनी। जो है कामायनी क्या है? महाकाव्य है, तो वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो इसमें जो अलंकार है कौन सा है? उत्परीक्षा अलंकार। उत्परीक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना। मतलब ये है कि वो चीज़ मानने लगते हैं कि ये चीज़ यही है, लेकिन वास्तविकता में वो चीज़ रहती नहीं है। तो इसका क्या कहना चाह रहे हैं? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंग। मतलब देखिए, इसका इमेज पे ले चलते हैं आपके लिए, ये देख सकते हैं आप लोग इमेज में। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कवि इसमें? कवि कहना चाह रहा है कि श्रद्धा के जो, उसमें अपन ने पंक्तियाँ पढ़ी थी ना, कि श्रद्धा के जो कोमल अंग हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं? बादल में मानो बिजली रूपी जो हैं फूल खिले हों, गुलाबी रंग के फूल खिले हों। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी का जो है वो वहाँ से ये चित्रण किया गया है। लेकिन बादल हकीकत में कैसे रहते? ऐसे रहते हैं, गुलाबी रंग के जो बता रहे हैं उसमें। तो ये क्या कर रहे हैं? उसकी उपमा कर रहे हैं। मतलब ये इनको ऐसा लग रहा कि ये यही चीज़ है। क्या है ये श्रद्धा जो है उनको एक उसके पात्र हैं महाकाव्य में। तो ये बता रहे हैं कि कोमल अंग कैसे लग रहे हैं इनके, को बिजली के जो बादल में गुलाबी रंग के बादल के समान उनके कोमल अंग लग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है? वो वही है, लेकिन उपमेय में क्या हो रहा है? उपमान का आरोप हो रहा है। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं। तो देखिए वापस हम उसी पर आ गए। तो देखिए यही है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। मतलब कि नील परिधान के बीच, नील अपन ने देखा था ना इमेज में कि नील ब्लू कलर की वो साड़ी पहनी हुई थी, उसी में बता रहा था अधखुला अंग जो है ना, कोमल अंग किस तरह दिखाई दे रहा है? जैसे बिजली का फूल, बेग बीच गुलाबी रंग, बादलों के बीच में गुलाबी रंग का फूल खिल गया हो, ऐसे हैं जो श्रद्धा के कोमल अंग प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्परीक्षा अलंकार। आया समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको डिटेल में इतना एक्सप्लेनेशन किया कि आपको समझ आ जाए। ऐसे डायरेक्ट उत्तर देते तो आपको समझ में नहीं आता क्या है उत्परीक्षा अलंकार। तो ये आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और डिस्कस करते हैं अपन। अगला प्रश्न पूछा गया हमारा रस से। ये मन पछते हैं अवसर बीते, दुर्लभ दे पाही हरिपद भजू, कर्म वचन अरिहीते, सहस बाहु बदि दस भदन, आदि नरप बचे न काल बलीते। तो ये किन की पंक्तियाँ हैं? ये विनय पत्रिका में जो है तुलसीदास जी ने लिखी है। ये पत्री किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है हुए हैं। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है शांत रस है। क्या कहना चाह रहे हैं? मन पछते हैं अवसर बीते, मतलब बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दुर्लभ देही पाही, मतलब जो आपको मनुष्य जन्म की वो मिली है पर्याय इसमें मिली है, तो ये बड़ी दुर्लभ से मिलती है, आप इसको ऐसे ना गवाएं। मतलब यहाँ आप भोग विलास में या उल्टे सीधे कामों में पढ़कर ना गवाएं, क्योंकि सहस बाहु बस दस बदन, मतलब सहस्त्र बाहु दस बदन, मतलब यहाँ क्या है? रावण का कहना चाह रहे हैं। ये देखिए जो है ये सहस्त्र बाहु दस बदन रावण, आदि नरब जो राजा राक्षस वगैरह थे वो भी नहीं बच सके काल से, तो फिर आप कैसे बचेंगे? इसलिए कह रहे हैं प्रभु का भजन कर लीजिए। तो यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या पूछा गया इसमें? अलंकार पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? ये अलंकार पूछा गया है। अब सही है, अलंकार पूछा गया कि हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हो जाएगा अपना कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा दे दी गई। क्या दे दी गई उपमा? हरिपद कोमल कमल, मतलब जो भगवान के पद हैं, प्रभु के जो चरण हैं वो कैसे हैं? कोमल कमल से हैं, कोमल कमल से प्रभु के चरण हैं। तो क्या वास्तव में है? क्या वास्तव में तो उनके चरण चरण ही है, कमल कमल है, लेकिन उपमा दे दी गई है प्रभु के चरण को। क्या की उपमा दे दी गई है? कमल की उपमा दे दी गई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, क्या देते हैं? जो सभी को सुख देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ही अपने वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के पूर्व प्रश्न पत्र का हल दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।